रावलपिंडी के मुर्री में बर्फीले तूफान से 20 से ज्यादा लोगों की मौत पर सियासी संग्राम जारी है। आरएसएस हेडक्वार्टर की रेकी करने वाले संदिग्ध रईस अहमद शेख जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार। आरएसएस हेडक्वार्टर और हेडकेवार भवन का बनाया था वीडियो। आज से देश भर में लगाई जा रही है बूस्टर डोज की खुराक। स्वास्थ्य सेवा फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जा रही है डोज। किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट लेकर या फिर सीधे टीकाकरण केंद्र में भी पहुंचकर लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। मुंबई के भाईखला इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। यूपी की जनता से बीजेपी का संकल्प जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर पोस्टर जारी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव। 80% हमारे साथ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद हो सकते हैं शामिल। सीएम योगी समेत यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कल दिन दौरा। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद टिकटों के बंटवारे पर मंथन संभव। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला। राजभर को बताया लोमड़ी। समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव से पहले केंद्र का चेहरा चिपकाकर कर रहे हैं लोगों को गुमराह। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया को बना रही हथियार। व्हाट्सएप ग्रुप से 3 करोड़ युवाओं तक पहुंचने की कवायद तेज। यूपी के रामपुर में बढ़ाए गए मतदान केंद्र। केंद्र 2058-17 लाख से ज्यादा लोग इस बार करेंगे मतदान। यूपी के जालौन में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट। हिल स्टेशन माउंट आबू के तापमान में गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया। नागौर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार 4 दिन से बारिश का दौर जारी है। धूप खिलने के साथ ही प्रदेश में दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट भी दर्ज हुई है। श्रीगंगानगर के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा गया। आज सुबह पूरे जिले में छाया घना कोहरा। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में पिछले 4-5 दिनों से बादल छाए रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 12 जिले में अंता के पास काशीपुरा में अंतिम संस्कार के लिए टीन शेड नहीं होने के चलते लोगों को परेशानी होती है। 12 शहर के थाना क्षेत्र में एक लाचार लावारिश मानसिक विबंधित महिला को रेस्क्यू करके कोटा के अपना घर आश्रम पहुंचाया गया। टोंक के निवाई में ट्रैक्टर को पुलिस थाने ले जाने के दौरान 40-50 लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस जीप पर हमला कर दिया। दौसा में बेचूपाड़ा के कोठिन में कल हुए किसान महासम्मेलन में हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। प्रदेश में शराब की दुकानों के खुलने का समय रात 8 बजे से तय किया गया है। कोटा में शराब ठेकेदार नियमों को ताक पर रख 8 बजे के बाद भी दुकानें खुलते हैं। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र से गुजरने वाले NH79 पर ईसाई चौराहे के पास ओवर ब्रिज पर गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सीकर जिले के रेंगस कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। चित्तौड़गढ़ की कबासन में जननी एक्सप्रेस बनी धक्का गाड़ी। धौलपुर जिले में बाड़ी कस्बे के अग्रसेन विहार कॉलोनी में गंदगी और नालियों के भराव से लोग परेशान। जयपुर घराने की उभरती कथक नृत्यांगना रानू शर्मा और शिल्पी शर्मा के कथक नृत्य में शुद्ध नृत्य के साथ साथ घराने की लटक भी देखने को मिलती है। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर से आमजन के जनजीवन को प्रभावित करने के साथ ही भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव किया गया है। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम।